ये बैठक मैंने इसलिए बुलाई है ताकि लोकसभा चुनाव के लिए हम एक एजेंडे पर काम कर सकें। जी बॉस, जी बॉस। ऐसा है, अब राफेल पर सभी प्रवक्ताओं को बोल दो कि चुनाव तक रोज नए नए झूठ तलाशते रहें और फैलाते रहें। अभी बोलता हूँ बॉस। देखा नहीं, झूठ बोल बोल कर ही हम 3 राज्यों में चुनाव जीत चुके हैं। अब कौन मीडिया वाला हमसे सवाल पूछ रहा है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ या नहीं? लेकिन राफेल पर सुप्रीम कोर्ट। अरे छोड़ो सुप्रीम कोर्ट को, मान लो उसने हमारे खिलाफ ही फैसला दिया, हमें झूठा ही बता दिया, तो भी हम पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? हम झूठ बोलेंगे तो मीडिया वाले दिखाएंगे ही, मीडिया वाले भी हमसे सवाल तो पूछेंगे नहीं और ना ही हमारे बयान की खोजबीन करेंगे कि हमने सच बोला है या झूठ। बॉस आप महान हैं, आप कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तुम लोग अभी नए नए हो, तुम्हें पता नहीं कि मेरी माँ ने भी 2004 में यही काम किया था। अच्छा बॉस। हाँ, 2003 और 4 में कारगिल युद्ध के बाद ताबूत घोटाले का जिन्न पैदा किया, हर रोज जाकर झूठ बोलते रहे, मीडिया वाले ने भी इसकी सच्चाई नहीं परखी और हम चुनाव जीत भी गए। बिल्कुल, 2013 में जाकर CBI सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें घोटाला जैसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तब तक तो हमने 10 वर्षों की मलाई खा ली, सत्ता पर राज किया। हाँ, तो अब बस चुपचाप अपने राफेल के मिशन में लग जाओ, हम सबका बस एक ही नारा, राफेल से मिलेगी सत्ता दोबारा।